नमस्कार प्यारे दोस्तों कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में इस स्वास्थ्य माला के अंतर्गत आप सभी का मैं डॉक्टर दिलीप नलगे हार्दिक स्वागत करता हूं पिछले एपिसोड में हमने देखा दिनचर्या के बारे में क्योंकि आजकल हम देखते हैं तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी दिनचर्या आयुर्वेद में क्या बताई है कैसे होनी चाहिए और उसको हम अभी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो उसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए वो भी ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए उसके बाद फिर दंत धावन मल त्याग अंजन नस्य और उसके साथ साथ फिर हमने अभ्यंग के बारे में कुछ चर्चा की थी तो जैसे अभ्यंग के जो बेनिफिट्स बताए गए हैं बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं कि अगर हम प्रतिदिन ये बॉडी का मसाज करते हैं ऑयल से और उसमें 10 से 12 मिनट का समय लगता है ज्यादा समय नहीं लगता है खुद अपने हाथ से हम कर सकते हैं एक अगर बैग को छोड़ दिया जाए तो भी बैग को भी काफी कुछ पार्ट्स तक हमारा हाथ जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ हम कर सकते हैं और पूरे शरीर को हम अपने हाथ से भी कर सकते हैं दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की भी जरूरत नहीं और इसके लिए जो ऑयल्स यूज होते हैं उसमें सबसे बेस्ट जो है वो तिल का तेल माना जाता है तो तिल का तेल आप लाके घर में उससे वैसे सरसों के तेल से भी लोग मसाज करते हैं और भी अलग अलग तेल यूज़ किए जाते हैं जैसे धनवर धनवंतरम तेल का भी काफ़ी यूज होता है मसाज करने में तो इस प्रकार से तेल आप सिलेक्ट करके उसके अनुसार अगर चलिए मान लीजिए आपको 12 महीने मसाज करना अपने आप को बहुत मुश्किल लगता है टाइम निकालना कम से कम आप एक, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए एक, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कम से कम आप एक वीक तक रेगुलरली मसाज करके देखिए जब भी आपके पास टाइम है एक वीक तक रेगुलर मसाज करने के बाद आप खुद ऐसे कीजिए कि आपके एनर्जी लेवल में कितना चेंज आता है आपके तन और मन को कितना वो रिलैक्स कर देता है आपके नींद के क्वालिटी में कितना फर्क पड़ जाता है क्योंकि जो उसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं कि अभ्यंग अगर हम नित्य करते हैं तो एक तो वो बुढ़ापे को जल्दी आने नहीं देता जी हाँ तो इसीलिए अगर हम नियमित इसका अभ्यास करते हैं तो जल्दी बूढ़े नहीं होंगे उसके साथ साथ जो भी दिन भर की हमारी जो भी हम मेहनत करते हैं उसके वजह से जो थकान है वो पूरी थकान को मिटा देता है और उसके साथ साथ शरीर में कहीं पर भी अगर वात बढ़ रहा है क्योंकि वैसे हम इतना ज्यादा दौड़ भाग में रहते हैं इतना स्ट्रेस में रहते हैं तो इसीलिए जो वात बढ़ता है शरीर में तो उसको भी दूर करने में इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है तो इसीलिए ठंड के दिनों में आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए आपको अच्छा लगता है तो आप ये फिर ठंड के चार महीनों में रेगुलर करके देखिए निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसका जब बेनिफिट आपको अनुभव होने लगेगा तो निश्चित रूप से आप उसके लिए टाइम निकाल के उसको जरूर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे अभ्यंग के बाद हमने बताया था उद्वर्तन के बारे में माना उबटन के बारे में तो चलिए पाउडर मसाज करने के लिए आपके पास टाइम नहीं आप सिंपल त्रिफला चूर्ण भी जो है वो मार्केट में ला उससे भी थोड़ा सा अगर लगाएंगे पूरे शरीर को जो खास करके जो मोटे लोग हैं उनके लिए ये पाउडर मसाज बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि जो चर्बी बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट जहाँ पे जमा होता है तो वो उसको दूर करने में ये पाउडर मसाज हेल्प करता है और पाउडर मसाज करने के बाद फिर थोड़ा सा व्यायाम करना भी ज़रूरी है क्योंकि सारे दिन भर में हम बैठे रहते हैं आजकल की जो लाइफ है वो कैसे हो गई है सेडेंट्री लाइफ हो गई बैठने वाली जीवन शैली हो गई और ये जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है हार्ट डिसीज है ब्लड प्रेशर है ये सारी इसी की तो देन है तो इसीलिए ये थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है ना ये हमें बहुत मदद करता है है ना सारे दिन भर चुस्त फुर्त रहने में तो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करते हैं और ये भी हमें पूरे साल करने की आवश्यकता नहीं होती है वैसे भी आयुर्वेद ने दो महीनों में तो स्ट्रिक्टली मना किया है कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है दो चार महीनों में माना जो दो ऋतुएं होती है एक तो ग्रीष्म ऋतु जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है उस समय आपको बल जो है वो शरीर का कम होता है और वर्षा ऋतु जो बरसात के दिन होते हैं तो ग्रीष्म और वर्षा माना मार्च ग्रीष्म और वर्षा माना मई जून जुलाई और अगस्त ये जो चार महीने होते हैं ये चार महीनों में तो एक्सरसाइज आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है सिंपल आप थोड़ा सा घूम फिर ले टहल ले उतनी एक्सरसाइज सफिशियंट है बाकी ठंड के दिनों में आपको जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए उससे शरीर के अंदर थोड़ी गर्मी भी बढ़ती है और उससे हमारी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है और इस प्रकार से और व्यायाम कितनी मात्रा में करना चाहिए ये भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से बताया है क्योंकि लोग क्या है जिम्नेशियम में जाते हैं बड़े उत्साह में शुरू शुरू में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और जब वो युवा होते हैं तब तो वो चलो एक घंटा कोई डेढ़ घंटा दो घंटे भी एक्सरसाइज करते हैं तो जब तक वो युवा है एनर्जी अच्छी है तब तक कर पाते हैं लेकिन आगे चल के उतने समय नहीं कर पाते हैं फिर अगर वो उतने समय नहीं कर पाते हैं तो आगे चल के उनको समस्याएं शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आने की संभावना रहती है क्योंकि उतना एक्सरसाइज वो कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं तो इसीलिए एक्सरसाइज कितना करना चाहिए उसके लिए आयुर्वेद ने कहा है अर्ध शक्ति व्यायाम आप आप ये कहेंगे ये अर्ध शक्ति व्यायाम क्या होता है तो अर्ध शक्ति व्यायाम का मतलब ये है कि जब आपके जो कपाल है ये फोरहेड है यहां पे पसीना आने लग जाए और आपकी सांस फूल जाए और मुख से सांस लेने की नौबत आ जाए तब आपको एक्सरसाइज को स्टॉप कर देना चाहिए तो मेरे हिसाब से तो 15-20 मिनट की भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो वो भी सफिशियंट है क्योंकि अगर ये अति व्यायाम किया जाता है तो अति व्यायाम करने से शरीर को नुकसान होता है ऐसा स्पष्ट रूप से आयुर्वेद कहता है उसके लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि देखिए जैसे हाथी होता है उसको शेर मार तो देता है मार तो दिया उसको लेकिन हाथी को अगर वो खींचने की कोशिश करेगा तो उस शेर का क्या हाल होगा तो जैसे हाथी को खींचने वाला शेर जो है वो नष्ट हो जाता है वो खुद ही अपने आप को नष्ट कर देता है ऐसे अति व्यायाम करने वाला व्यक्ति भी खुद अपने आप को नष्ट करता है तो इसीलिए जो भी आप सुन रहे हैं ये जरूर ध्यान रखें कि व्यायाम करना तो है लेकिन कौन से सीजन में करना है और कितना प्रमाण में करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैसे भी आयुर्वेद में कई सारे ऐसे योगासन बताए हुए हैं जिन आसनों का आप उपयोग करके भी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं माना जो व्यायाम नहीं कर सकते उनके लिए मैं बता रहा हूँ तो इस प्रकार से ये अभ्यंग के बाद फिर व्यायाम और फिर स्नान की बात स्नान के बारे में तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया ही था कि ऋतु के अनुसार स्नान का जो पानी है जल है वो होना चाहिए ठंड के दिनों में गर्म पानी का यूज़ करें और गर्मी के सीजन में नॉर्मल जो वाटर होता है उसका यूज़ करें फिर उसके बाद में जो नाश्ता करते हैं हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट जो है वो अच्छी तरह से कर लेना चाहिए हमको सुबह क्योंकि उसके बाद फिर दिन भर हम काम करते रहते हैं एक्टिव रहते हैं वैसे ये भी प्रश्न हमने उठाया था कि दिन भर में कितनी बार खाना चाहिए तीन बार खाना चाहिए दो बार खाना चाहिए चार बार खाना चाहिए तो वैसे अगर तीन बार खाना है तो भी सुबह का नाश्ता हमें अच्छी तरह से करना चाहिए दोपहर का जो भोजन है वो मध्यम प्रमाण में और रात को थोड़ा सा कम खाना चाहिए इस प्रकार से हम अगर करते हैं और जैसे जैसे एज एडवांस हो जाती है जैसे जैसे हम माना वृद्धावस्था की तरफ वृद्धावस्था माना आजकल तो क्या होता है फोर्टी क्रॉस करने के बाद ही लोग अपने आप को बूढ़ा समझने लगते हैं या उनके अंदर वैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो इसीलिए एक स्पेसिफिक उम्र के बाद फिर हमारी जो पाचन शक्ति है वो भी उतनी पावरफुल नहीं रहती है तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि तीन बार खाने से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वो तीन बार के बजाय दो बार भी खा सकते हैं वैसे भी जो वजन कम करना चाहते हैं अपने आपको या जिनको ये बहुत समय से वजन की समस्या है स्थूलता की समस्या है तो वो भी दिन में दो बार अगर खाते हैं तो उससे उनको वजन कम करने में भी हेल्प मिलती है तो इस प्रकार से आहार के बारे में ये हम ध्यान रखें और फिर दिन भर में हम जो भी अपना रूटीन वर्क है वो करें और उसके बाद रात का जो सोने का समय है वो भी आयुर्वेद ने कहा है कि रात को कब सोना चाहिए तो आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त के एक प्रहर के बाद जैसे सूर्योदय से एक प्रहर पहले उठना चाहिए ऐसे सूर्यास्त के एक प्रहर बाद हमें सोना चाहिए तो सूर्यास्त अगर साढ़े छह बजे हो रहा है एक प्रहर माना तीन घंटे के बाद माना साढ़े नौ बजे हमें सो जाना चाहिए अगर सात बजे सूर्यास्त हो रहा है तो दस बजे तक सो जाना चाहिए तो ये तो मैंने जो बताया ये तो आइडियल चीजें थी लेकिन इसमें भी अगर हमें अभी के जमाने में अगर इसको यूज करना है यूटिलाइज करना है तो कैसे कर सकते हैं तो कहते हैं जहां चाह है वहां राह है अगर आपको लगता है कि मुझे अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए तो उसके लिए थोड़ा टाइम आपको स्पेयर करना पड़ेगा और आप अगर जल्दी सोकर जल्दी उठने की हैबिट डालेंगे तो निश्चित रूप से आप ये पाएंगे कि आपको ज्यादा नींद की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये खुद अनुभव किया है कि जब देर से हम सोते हैं और देर से उठते हैं तो ज्यादा नींद करने के बाद भी हमें वो फ्रेशनेस महसूस नहीं होता है और अगर जल्दी सोकर जल्दी उठते हैं तो थोड़े से ड्यूरेशन में भी हमारी नींद पूरी हो जाती है स्लीप मैनेजमेंट के बारे में तो कई लोग बात करते हैं इसके ऊपर भी काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है क्योंकि नींद सही आना ये भी एक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी आवश्यक बात है क्योंकि कई सारे ऐसे पेशेंट्स भी हमें मिलते हैं जिनको नींद ठीक से नहीं आती है और नींद ठीक से न आने के कारण उनका स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ हो जाता है तो इसीलिए नींद ठीक से आए उसके लिए भी मैं एक छोटी सी टिप आपको बताना चाहूँगा कि सिंपल है आप लोग शायद आपने सुना भी होगा या आप करते भी होंगे कि दूध जो होता है उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला करके अगर हम सोने से पहले लेते हैं तो उससे अच्छी नींद आती है अच्छा ये उपाय करने के बाद भी अगर किसी को नींद अच्छी नहीं आ रही हो तो वो भैंस के दूध का प्रयोग कर सकते हैं भैंस का दूध जो होता है वो नींद लाने वाला होता है तो इसीलिए उसका प्रयोग करके लेकिन इसके लिए पाचन शक्ति अच्छी होना बहुत आवश्यक है क्योंकि भैंस का दूध जो होता है वो थोड़ा पचने में हेवी होता है तो इस प्रकार से और ये सब उपाय करने के बाद भी अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करें मेडिटेशन करने से आपका मन शांत हो जाएगा अपनी सारी चिंताएं अपने सारे टेंशन अपना जो भी दिन भर की जो भी बातें हैं वो सारी उस ईश्वर को अर्पण कर दे ईश्वर को सौंप दे और उसको सौंप कर निश्चिंत होकर उसके गोद में सो जाए है ना परमात्मा के याद में सो जाएं तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो बेटर हो जाएगी और क्वालिटी जितनी बेटर हो जाएगी उतना कम क्वांटिटी से भी आपकी अच्छी रिचार्जिंग होगी आपकी माइंड और बॉडी की चार्जिंग बहुत अच्छी होगी तो इसीलिए ये बात ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि आयुर्वेद में ये तीन उपस्तंभ में से एक उपस्तंभ बताया है नींद ये जैसे आहार जितना इम्पोर्टेंट है स्वस्थ रहने के लिए उतना सही समय पे सोना और सही मात्रा में नींद लेना यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्वालिटी स्लीप किसको कहते हैं जैसे ही हम सो सो जाते हैं तो एकदम जो गहरी नींद आती है क्योंकि जो नींद के साइकिल होते हैं ना उसमें भी सुपरफिशियल और डीप ऐसे प्रकार होते हैं तो अगर डीप स्लीप है वो क्वालिटी स्लीप है उससे हमारे माइंड और बॉडी का चार्जिंग अच्छा होता है और फिर दूसरे दिन उठते ही हमको एकदम फ्रेश महसूस होता है अगर बहुत ज्यादा सपने आ रहे हैं तो भी वो क्वालिटी नींद नहीं कही जा सकती है तो इसीलिए ये बात भी सभी ध्यान में देंगे और जरूर थोड़ा सा समय अगर हम सही समय पर सोना सही समय पर उठना शुरू करेंगे तो अपने स्वास्थ्य के लिए आप एक घंटा टाइम तो ज़रूर निकाल पाएंगे और उस एक घंटे में जो भी मैंने आपको बातें बताई तो उसमें से 10-15 मिनट आप मसाज के लिए निकाल सकते हैं 10-15 मिनट आप एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं और 10-15 मिनट आप मेडिटेशन के लिए भी निकाल सकते हैं तो इस प्रकार से अगर आप अपने लाइफ को स्वस्थ रखना चाहते हैं खुश रखना चाहते हैं अपने आप को एनर्जेटिक रखना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या में अगर ये थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया है और आप जो चाहते हो वो आप कर पा रहे हो जैसा आप चाहते हो वैसा आप जीवन होता जा रहा है आपका तो आप सबको मेरी तरफ से यही शुभ भावना और शुभकामना कि आप सदा स्वस्थ रहे सदा खुश रहे और सदा प्रसन्न रहे इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद ओम शांति